अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ शहाब खान और आप देख रहे हैं एमपी न्यूज यूट्यूब चैनल। पंजाब के बस्ती इलाके मुसलसल छठे रोज शदीद पिजाई आलूदगी की लपेट में है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर दुनिया भर के बड़े शहरों में पिजाई आलूदगी के लिहाज से पहले नंबर पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर की फिजा में आलूदगी 407 पर्टिकुलेट मीटर्स रिकॉर्ड की गई है। फिजाई आलूदगी में दूसरे नंबर पर जनूबी कोरिया का शहर अंचुआन है, जहां आलूदगी 239 पर्टिकुलेट मीटर्स है, जबकि भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में 218 पर्टिकुलेट मीटर्स के साथ तीसरे नंबर पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स का कहना है कि पाकिस्तान में भी लाहौर ही 407 पर्टिकुलेट मीटर्स के फिजाई आलूदगी के लिहाज से पहले नंबर पर है। साहिवाल 402 पर्टिकुलेट मीटर्स के साथ दूसरे, गुजरांवाला और रायवंड 358 पर्टिकुलेट मीटर्स के साथ तीसरे और चौथे नंबर पर है। इस फेहरस में मुल्क का सबसे बड़ा शहर कराची 159 पर्टिकुलेट मीटर्स के साथ 10वें नंबर पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की दर्जाबंदी के मुताबिक 151 से 200 दर्जे तक आलूदगी मुजरे सेहत है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक 201 से 300 दर्जे तक आलूदगी इंतहाई मुजरी सेहत है, जबकि 301 से ज्यादा दर्जा खतरनाक आलूदगी को जाहिर करता है। इस सिलसिले में माहिरीन का कहना है कि पूरी बेहतरी की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, क्योंकि पिछले 30 से 40 साल के दौरान शहर के नवाई देहात को खत्म करके वहाँ रिहायशी कॉलोनियाँ कायम करने और शहर में दरख्तों की बेरहमाना तरीके से कटाई के बाद हमें इन हालात तक पहुँचने में दहाइयाँ लगी है, जबकि वापसी के लिए दुगना वक्त दरकार होगा। इनका कहना है कि शहर में गाड़ियों की तादाद में तेजी से इजाफा भी आलूदगी की वजह है, मगर हुकूमतें इन मुहर्रिकात को समझने को तैयार नहीं। माहिरीन का ये भी कहना है कि आने वाले चंद सालों में लाहौर में पीने का पानी सबसे बड़ा बहरान होगा, क्योंकि लाहौर का वाटर टेबल तेजी से गिर रहा है और बारिशें न होने के बराबर है, लिहाजा शहर पानी के शदीद बहरान का शिकार हो रहा है। माहिरीन के मुताबिक हुकूमत अगर शहर को बचाना चाहती है तो गाड़ियों में कमी के साथ साथ रिहायशी कॉलोनियों और नई तामीरात पर भी पूरी पाबंदी आयद करते हुए दस्तियाब खाली जगहों को शजरकारी और काश के लिए मखसूस कर दे। बहुत शुक्रिया। मजीद वीडियोज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज़।